Maldi! गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चियान विक्रम स्टारर फिल्म कोबरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म कोबरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की, तो फिल्म ने अपने डे 4 के अंदर 3 से 5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जहाँ फिल्म का तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस से 2.5 से लेकर 3 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। दोस्तों इसी के साथ फिल्म कोबरा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 49.64 से लेकर 50 करोड़ का हो चुका है, जहाँ फिल्म का तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस 28.22 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों बात करें फिल्म कोबरा की, तो चियान विक्रम और श्रीनिधि शेट्टी स्टारर फिल्म कोबरा ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने में नाकामयाब साबित हो रही है। फिल्म अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। दोस्तों बात करें फिल्म कोबरा की, तो फिल्म को टोटल 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। फिल्म को हिट होने के लिए वर्ल्ड वाइड में 120 करोड़ के आंकड़े को छूना होगा। वहीं दोस्तों फिल्म के टोटल स्क्रीन्स की बात कर ले, तो फिल्म को टोटल 1550 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। चियान विक्रम की फिल्म कोबरा आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है कमेंट में राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म कार्तिकेय 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 22 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म कार्तिकेय 2 के चौथे हफ्ते के पहले दिन, यानी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 22 की बात करें, तो फिल्म ने अपने डे 22 के अंदर 1.8 से लेकर 2.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म कार्तिकेय 2 का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109.25 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का हिंदी वर्जन से टोटल 26.50 करोड़, वही फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से टोटल 51.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। दोस्तों फिल्म कार्तिकेय 2 की बात करें, निखिल सिद्धार्थ और अनुपम खेर स्टारर फिल्म कार्तिकेय 2 कमाई करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ी है। फिल्म का बजट मात्र 15 करोड़ था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर दुगनी तिगनी कमाई कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। फिल्म कार्तिकेय 2 अगर आपने मिस कर दी है, तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाएं और इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं और फिल्म को एक सपोर्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं धनुष स्टारर फिल्म थिरुचित्रम्बलम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 17 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म थिरुचित्रम्बलम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 17 की, तो फिल्म ने अपने डे 17 के अंदर 2 से 3 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जहां फिल्म का तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस से 1.8 से लेकर 2.8 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर ले, तो फिल्म थिरुचित्रम्बलम का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 95.5 से लेकर 96.5 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस टोटल 69.9 से लेकर 70 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों धनुष स्टारर फिल्म थिरुचित्रम्बलम का बजट मात्र 40 करोड़ था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले दुगनी कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली है। फिल्म थिरुचित्रम्बलम आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है कमेंट में राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24 की, तो फिल्म देखते देखते अपने बॉक्स ऑफिस पर डे 24 के कलेक्शंस को पूरी कर गई है। बात करें फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24 की, तो फिल्म ने अपने डे 24 के अंदर 0.12 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 63.33 करोड़ का हो चुका है। वहीं फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, टोटल वर्ल्ड में वर्ल्ड कलेक्शन 136.33 करोड़ का हुआ है। दोस्तों फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बात करें, तो आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट होने के चलते बुरी तरह से फेल हुई है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को इस फिल्म से काफी घाटा हुआ है। दोस्तों फिल्म का बजट की बात करें, फिल्म को टोटल 180 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म इंडिया में अपने बजट के मुकाबले आधी भी नहीं कमा पाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फेल हुई है। दोस्तों फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में राय जरूर बताएं। ये दोस्तों बात करते हैं फिल्म बिंबिसारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म बिंबिसारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 की, तो फिल्म ने अपने डे 30 के अंदर 0.1 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म बिंबिसारा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 65.8 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से टोटल 54.8 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों बात करें फिल्म की, तो फिल्म को टोटल 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर हिट हुई है। फिल्म बिंबिसारा की बात करें, तो फिल्म में नंदमुरी कल्याण राम ने मगध के राजा बिंबिसार की भूमिका निभाई है। फिल्म बिंबिसारा के ऊपर आपकी क्या राय है कॉमेंट में राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म सीतारमन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म सीतारमन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 की, तो फिल्म ने अपने डे 30 के अंदर
1.35 से लेकर के 1.7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जहां फिल्म का हिंदी वर्जन से 0.7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। दोस्तों इसी के साथ फिल्म सीतारमन का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 84.67 से लेकर के 84.8 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से टोटल 41.1 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों फिल्म सीतारमन की बात करें तो फिल्म का टोटल 30 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले दुगनी तिगनी कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली है। दोस्तों फिल्म सीतारमन की बात करें तो फिल्म सीतारमन को हिंदी वर्जन में भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म सीतारमन को अगर आपने हिंदी वर्जन में मिस किया है तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाएं और इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के गलियारों से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए हमारी इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ।